सुपर हिट हुई हैं, आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में, कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही है पिछले कई सालों से। अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा, आप ज्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक 3 महीने में दो फिल्में आ गई, अब मैं क्या बोलूं? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी डिसीजंस इन माय लाइफ। आई एम फीलिंग वेरी एनकरेज्ड, वेरी मोटिवेटेड, सो आई थिंक आई विल चूज इवन बेटर फिल्म्स, इवन बेटर। लेकिन उसमें हाउ मच टाइम इट टेक्स यू नो दैट इज नॉट रियली इन माय हैंड्स, बट आई प्रॉमिस माय बेस्ट वर्क इज येट टू कम। आप लाजवाब हैं और एक कम्फर्ट जोन भी बन गया है कि हर फिल्म में एक अलग तरह का एक्शन आपका देखने को मिलता है, क्या आप उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के बाकी तरह के रोल्स भी ट्राई करना चाहेंगे या आपके जहन में आप वो प्ले करने लगा क्योंकि लगभग 5 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए? आई थिंक वॉर में जिस तरह मैंने एक यू नो एक कोशिश की मैंने एक अलग किरदार निभाने के लिए, आई थिंक दिस वॉज लिटल अनकम्फर्टेबल फॉर मी। एक्शन की बात करें तो आई इन्जॉय दिस जॉनरा वेरी मच और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी थोड़ा अचीव किया है उस करियर में, तो आई थिंक आई क्रेडिट टू माई यू नो द फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड प्राइमरली बीइंग एक्शन फिल्म्स ऑफ कोर्स। मेरे जितने भी इंस्पिरेशंस रहे हैं यू नो जैकी चैन से लेकर ऋतिक रोशन तक, सारे यू नो बड़े बड़े एक्शन हीरोज हैं, तो यू नो आई एम इंस्पायर्ड टू बी लाइक देम, इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स लाइक देम, एंड खासकर इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, यू नो माई पीयर्स आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, हाउ डज वन स्टैंड आउट, हाउ डज वन यू नो क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ? तो बस एक पहचान क्रिएट करना है मुझे खुद को, खुद के लिए, और जस्ट टू बी आइडेंटिफाइड by you saying you know that I'm an action hero, for me that's more than enough really.